कहते हैं ना, तजुर्बे उम्र से नहीं हालातों से आते हैं, और कम उम्र में मिले तजुर्बे व्यक्ति से बड़ा काम करवा जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपके मन में और आपके दिमाग में एक ऐसा मोटिवेशन जागेगा कि आप खुद मुझे बोलोगे कि वाह क्या स्टोरी है। आज बात करते हैं ऐसे शख्स की जो महज 6 साल की उम्र में अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाती थी। एक फायर एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हुई 6 साल की अद्रिका गोयल को डॉक्टरों ने भी कह डाला कि जिंदगी में अब ये चल भी नहीं पाएंगी। घर में आग लगने की वजह से गंभीर रूप से घायल होने के बाद 6 साल की अद्रिका न केवल शारीरिक रूप से कमजोर हुई बल्कि मानसिक मेंटली वैसे भी वो टूट गई। लोगों को उस पर दया आने लगी। इलाज कराने के बावजूद वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हम जिंदगी में हार मान लेते हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। माता पिता ने सोचा अगर अद्रिका को नॉर्मल स्थिति में लाना है तो उसे कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन कराना पड़ेगा, और ताइक्वांडो मार्शल आर्ट क्लासेस उन्होंने लगा दी। शुरुआत में बहुत तकलीफ हुई लेकिन माँ बाप उसे हौसला देते रहे, और कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। देयर इज अ फेथ, देयर इज अ विल। कुछ ऐसा ही हुआ और अद्रिका स्वस्थ होने लगी। पिता ने मार्शल आर्ट ज्वाइन कराया था सिर्फ इसलिए कि अद्रिका ठीक हो जाए, और वो हो भी गया। लेकिन ऊपर वाले ने कुछ और ही लिख के रखा था। उसने मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी और देखते ही देखते 8 साल की उम्र से पहले ही उसने ब्लैक बेल्ट हासिल कर लिया। मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट, वो भी इतनी कम उम्र में। इस वजह से उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। इस कला में वो एक्सलेंट हो गई। अब बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसने अद्रिका की लाइफ को पूरी तरह बदल दिया। अप्रैल 2018 में जब मुरैना जिला, जो कि मध्य प्रदेश में आता है, वहाँ SC ST एक्ट के खिलाफ कई लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस हिंसाजनक कार्य में आंदोलनकारियों ने मुरैना स्टेशन से गुजरने वाली एक पैसेंजर ट्रेन को अपना निशाना बनाया और उस ट्रेन को वहीं रोक दिया। अंदर बैठे मासूम लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए खिड़की दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए। आंदोलनकारियों ने ट्रेन को घेर लिया और ट्रेन पर पत्थर बरसाए और तो और गोलियां भी चलाई। डर के साथ साथ भूख प्यास से भी लोगों का बुरा हाल था। बाहर जा नहीं सकते और ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही थी। ये खबर जब अद्रिका ने टीवी पर देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाई, और अद्रिका का साथ दिया उसके भाई कार्तिक ने, और घर में जितना भी खाने पीने का सामान था सबको डिब्बों और थैलों में भरकर दोनों भी ट्रेन तक पहुंच गए। हाँ, ट्रेन रुकी थी, वहां से अद्रिका का घर महज 200 मीटर की दूरी पे था। अंदर बैठे यात्रियों को पुकारने लगे कि हम मदद लेकर आए हैं। अंदर बैठे यात्रियों के मन में इतना डर था कि उन्हें लगा कि कहीं बाहर अभी भी प्रदर्शनकारी तो नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रियों का विश्वास आया, अद्रिका और उसके भाई ने खाना और पीना दोनों भी दिया। इन नन्हे बच्चों को देख सब लोग हैरान थे। इतनी नफरत के बीच यह लोग इंसानियत का संदेश दे रहे थे। कमाल की बात तो ये थी कि इन दोनों के माता पिता को अभी भी नहीं पता था कि दोनों बच्चे इतने भीषण पथराव के बीच लोगों की मदद कर रहे हैं। और ये जमाना सोशल मीडिया का है। मदद करने वाली इन दोनों की तस्वीरें वायरल होने लगी, और एक अच्छा काम हुआ। इन्हें देखकर इंस्पायर होकर आसपास के लोग भी यात्रियों की मदद के लिए आगे आए। इस घटना के वक्त अद्रिका महज 10 साल की थी। इस वीरता वाले कार्य के लिए जनवरी 2019 को इन दोनों बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अद्रिका को कई अवार्ड मिले। इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में भी उन्हें गोल्ड मेडल मिला। लंदन के स्टैंडिंग हीरो फ्रॉम इंडिया के अवार्ड से भी वो नवाजी गई, और ऐसी वो पहली भारतीय बनी जो इस अवार्ड से नवाजी गई। लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग अद्रिका दे चुकी है, वो भी इस उम्र में। एक वक्त जो बच्ची चल भी नहीं पाती थी, उसने हिम्मत के भरोसे हर क्षेत्र में अपने आप को इस काबिल और मल्टी टैलेंटेड बनाया। नेपोलियन हिल ने कहा है, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम्स ओनली थ्रू कंटिन्यूस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल। और आपकी उम्र साबित नहीं करती कि आप क्या हो, बल्कि आपका जज्बा और आपकी हिम्मत साबित करती है। दोस्तों, अंत में यही कहूँगा कि हारा तो वही है जो कभी लड़ा नहीं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आपके दिल और दिमाग में एक मोटिवेशन की आग जली हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस बच्ची के लिए, इस बच्ची के वीरता वाले कार्य के लिए आपके विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।